नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी और संस्कृत के शब्दों का अंतर बताएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये क है जो हिंदी का वर्ड है, और जो संस्कृत है उसमें दो बिंदु लग जाते हैं, इनका मतलब होता है विसर्ग। और जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे या जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये इसमें ह की आवाज़ आती है, हम इसको बोलेंगे कह। कह मतलब ये संस्कृत का वर्ड बन गया। अब ये इसी तरह एक और ये शब्द है जिसको कि बोलते हैं गम, ये है बिंदु ऊपर और इसमें आ गया हलंत, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो एक ही होता है, जाना टू गो, लेकिन बस देखने में अलग लगता है ये, लेकिन इसमें बिंदु आएगी और इसमें हलंत आएगा, दोनों का मीनिंग सेम है। हिंदी में आपने देखा होगा कि स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। स्वर जैसे अ आ ई, और जो व्यंजन होते हैं क ख ग ग होते हैं, तो जो संस्कृत है उसमें भी यही सेम यूज होते हैं, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस शब्दों का थोड़ा सा विसर्ग लग जाते हैं, हलंत लग जाते हैं, उसी से संस्कृत का अलग हो जाता है, बाकी वो दोनों एक ही। अगले वीडियो में हम आपको संस्कृत में गिनती सिखाएंगे, और यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो आप प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।